अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. लफ्स की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है. लफ्स प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक प्रयास है रेखता फाउंडेशन के साथ मिलकर. एहसास विमेन और जयपुर इसके सहभागी है और सुधीर माथुर संस्थान इस श्रृंखला के सहयोगी है. होटल हिल्टन जयपुर लफ्स के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है. प्रभा खेतान फाउंडेशन संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं सामाजिक कल्याण के कार्यों के माध्यम से हम सभी के दिलों से जुड़ा हुआ है. रेखता फाउंडेशन का उद्देश्य भाषा साहित्य और संस्कृति को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स प्रदान करना है. एहसास विमेन सशक्त महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जो कि कला और संस्कृति से जुड़ी है और उसके प्रति एक खास दिलचस्पी रखती है. सुधीर माथुर संस्थान सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों से जुड़ी जयपुर की एक संस्थान है. अब मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी होटल हिल्टन से गौरव जी को. इवनिंग, नमस्ते, आदाब. सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं नुमान शेख साहब का जो हिल्टन होटल में आए और यहाँ पे होटल की रौनक बढ़ा दी है. एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एहसास, रेखता, सुधीर माथुर संस्था और खेतान फाउंडेशन जिन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी को एक नया मंच दिया और हिल्टन होटल को जुड़ने का मौका दिया. अब आपरा, थैंक यू वेरी मच. हमें फख्र है कि हम इस पहल का एक हिस्सा हैं और हम इस हर नए अवसर के साथ होंगे जिसमें इस गुलाबी शहर को एक नई दिशा मिलेगी. आज तक थिएटर, फैशन और समाज के कई आयोजनों के साथ हम जुड़ते आए हैं और इस साहित्य मंच के चौथे पड़ाव पे हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं. आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे साथ जुड़े. थैंक यू. धन्यवाद गौरव. आज के हमारे ऑथर पोएट है श्री नुमान शौक जी. आपके बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है और अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 मिनट तो मैं इनका बायोडेटा ही पढ़ने में लगा दूंगी. बहरहाल, आपकी गजलें, कविताएं, समीक्षाएं, लेख, अनुवाद आदि विभिन्न उर्दू हिंदी पत्र पत्रिकाओं में न सिर्फ प्रमुखता से प्रकाशित होती है बल्कि उनका देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी होता है. अब तक आपकी 4 किताबें उर्दू में प्रकाशित हो चुकी हैं. फिलहाल आप आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा में कार्यरत हैं. आपसे बातचीत करेंगे जयपुर के एक बहुत ही जाने माने मॉडरेटर प्रिंस रूबी जी. प्रिंस रूबी जी कई सेमिनार मुशायरों का हिस्सा बन चुके हैं. स्वागत है आप दोनों का आज की महफिल में. आज के इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, नुमान शौक साहब. अपनी बात को मैं शुरू करूं. हम तमाम लोगों ने कभी ना कभी शाहिद से जुड़ने का एक एहसास महसूस किया, जैसे मैंने किया. मैंने पहला मुशायरा मेरे महबूब फिल्म में देखा और आखिरी कभी कभी. वहाँ से मुशायरे के सिलसिले में मेरा जुड़ाव पैदा हुआ. उसके बाद इस बात का एहसास हुआ कि मुशायरे आदरणीय शिवपाल यादव के सम्मान में भी आयोजित किए जाते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदों पर मोहब्बतें पैदा हों इसलिए भी आयोजित किए जाते हैं. लेकिन आज के इस दौर में जब हज़ारों शौरा हज़रात यहाँ पर अपनी अपनी कलम को लेकर मौजूद हैं और उनकी खूबसूरत शायरियाँ हम लोगों तक पहुँच रही हैं, ऐसे दौर में जब एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हों जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी का लोहा मनवाया हुआ हो तो हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है. मैं अपनी बात, अपना सवाल यहीं से शुरू करना चाहता हूँ. नुमान साहब, एक लंबे दौर से
مشاعروں کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں آپ اس دور سے اس دور کے بیچ میں؟ یہ سوال بہت خطرناک ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو مشاعروں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن مشاعروں سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس وکتبے میں، اس اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ایک طرح کا ویرودھاباس لگ سکتا ہے، لیکن یہ سچائی ہے کہ مشاعروں میں اب سے کچھ دہائیوں پہلے تک اردو کے جتنے نمائندہ شعرا تھے وہ جایا کرتے تھے۔ نمائندہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو عوام کے دلوں پر بھی حکومت کرتے تھے اور خواص کی نظروں میں بھی بہت بلندی تھی، ان کے ہاں شاعری تھی، عشق تھا، رومانس تھا، حالات حاضرہ، اپنے اندر کا خالی پن، دکھ، خوشیاں سب کچھ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ آپ کا جذباتی استحصال کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بے معنی بھاوکتا میں بھر کر اپنی شاعری کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا تھا آپ کو، چونکہ ایسا تھا نہیں۔ چند ایک شعرا ہوتے تھے اور ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن مسئلہ اب یہاں آن کھڑا ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جسے شاعری کی بہت بنیادی معلومات بھی نہ ہو، شاعری کی سمجھ بھی نہ ہو، صرف وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا شخص کیا سننا چاہتا ہے اور وہ وہی سناتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کہ معاف کیجیے گا، کبھی کبھی شاعری کے درمیان بھی اس طرح کے کمنٹس ہو جاتے ہیں، جیسے میں اپنی شاعری میں بھی اور دوسرے حضرات بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ ایک شعر تھا کہ سارے جذبوں کے دکانداروں کی جیبیں بھر گئیں، سارے جذبوں کے دکانداروں کی جیبیں بھر گئیں، بک گیا بازار میں جتنا بھی تھا سستا کلام۔ تو یہ جو جذبات کو بیچنے کا فن ہے، پرفارمنس کا فن ہے، یہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی بار مشاعروں میں کہ باضابطہ لوگ بیوٹی پارلرز میں جاتے ہیں، میں شاعر حضرات کی بات کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، شاعرات کی نہیں، وہاں جاتے ہیں اور پھر اپنے جتنے فالوورز ہوتے ہیں انہیں میسیجز کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ کو آنا ہے یہاں اور آپ کے آنے جانے کا انتظام بھی میں کر دوں گا۔ ایسے لوگ جب مشاعروں میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے سامنے اچھے شعر پڑھنے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ انہیں لگتا ہے کہ یار ہم کن لوگوں کے بیچ میں پھنس گئے، یہ تو ایسے ایسے شعروں پہ لوگ مجمع ایسے کھڑا ہو رہا ہے، اسٹینڈنگ اوویشن جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اس سے جو لوگ اچھی اور خالص شاعری والے ہیں انہیں ذرا ایک طرح کی بے دلی اور بے رغبتی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے بہت اچھے دوست یہاں بیٹھے ہوئے فاروق انجینئر ہیں، عادل رضا منصوری ہیں، یہ اس صورتحال سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور ہم تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ تو اس سے ایک ذرا طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے کہ ایک اتنا مقدس فریضہ ہوتا ہے شاعری کرنا، اپنے آپ میں اپنی روح کو دوسروں کی روشنی سے بھرنا ہوتا ہے، دراصل شاعری یہی ہے۔ اگر ہم اپنی قدورت، اپنی گندگی کو دوسروں کے اندر انجیکٹ کرنے کے لیے شاعری کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ شاعری پر بہت بڑا ظلم ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں داڑھی ٹوپی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کے حساب سے اشعار سنائے جاتے ہیں، کہاں پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہاں ان کے لیے اشعار سنائے جاتے ہیں، کہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہاں ان کے۔ صاحب اگر شاعر اس طرح مینیپولیشنز کرنے لگے، اتنا سوچنے سمجھ لے تو وہ شاعر کیوں ہوا، پھر وہ سیاستدان کیوں نہیں ہوگا؟ تو معاف کیجیے گا، میرا گلہ آج کے مشاعروں سے اور آج کے شاعروں سے یہی ہے جو اسٹیج پر نظر آتے ہیں۔ نمن صاحب، میں ایک بہت اہم چیز جاننا چاہتا تھا آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شاعر جب قلم پکڑتا ہے، لکھنا شروع کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ ایک دور کے بڑے مشہور شاعر ہیں، آپ پر کس کے اثرات رہے؟ جناب، یہ اثرات کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جب میں کالج میں تھا تو ظاہر ہے مجھے بھی جیسے سب کو بشیر بدر اچھے لگتے ہیں، مجھے بھی لگتے تھے، لیکن اس سے پہلے میں نے میر کو اور غالب کو بھی پڑھ رکھا تھا۔ اتفاق سے جو چیزیں
आपके लाशौर में बस जाती हैं, जिन्हें आप पहले से पढ़ते सुनते रहे हैं, वो आपके हाफजे पर, आपके जहन पर कब्जा कर लेती हैं। तो मीरा और गालिब पहले तो इतना स्पेस ही नहीं पैदा होने देते कि आप किसी और शायर को पसंद करें, और अगर आप बिलफर्ज महाल अगर किसी हमअसर शायर को, किसी सीनियर, किसी अच्छे शायर को आप पढ़ भी रहे हैं, तो ख़ास तौर से नौजवानों के साथ या नए लिखने वालों के साथ खतरा ये होता है कि वो अनजाने में उससे मरूब होते रहते हैं। जो बात, जो सवाल अभी आपने किया, इससे मुतासिर है। तो मुझे हर अच्छा शेर मुतासिर करता है, चाहे वो किसी ऐसे शायर का भी क्यों ना हो जिसका नाम तक मैं नहीं जानता। शेर अपने आप में शायर की पहचान होता है, शायर की वजह से शेर नहीं मशहूर होता। उर्दू शायरी की सबसे अच्छी बात यह है, हम सैकड़ों ऐसे अशार जानते हैं जिनके शायरों का पता नहीं है, लेकिन वो शेर ऐसे जंगल की आग की तरह फैला हुआ है कि आप उससे बच ही नहीं सकते। अगर आपको 10-20 अशार भी ऐसे सुनाने को कहे जाएं जो आपको याद हों, तो यकीनन उन 20 में से 10 अशार तो ऐसे होंगे जिनके शायरों के नाम किसी को नहीं पता होंगे। तो मुतासिर होने का सवाल यह है कि मीर और गालिब से ये सिलसिला अब तक चल रहा है। मैं अपने जूनियर से भी मुतासिर होता हूँ, जब वो अच्छे शेर कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। और अभी हाल में जो दो लोग, एक हिंदुस्तान से एक पाकिस्तान से, जो बहुत मशहूर हैं, हालांकि अब वो बकायदे हयात नहीं, जैसे पाकिस्तान से जॉन एलिया के चाहने वाले बहुत हैं, हिंदुस्तान में इरफान सिद्दीकी के चाहने वाले बहुत हैं, ये दोनों ऐसे अनोखे और ऐसे नाबगा शायर हैं कि मैं अगर पिछले 50 साल की शायरी की बात करूं, तो मैं इरफान सिद्दीकी को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं। और उनके शेर की जो बात है, मुझे लगता है कि हर शायर का अपना एक ढंग होता है। उस शायर ने जिस तरह क्लासिकी लहजे के साथ एक नई बात को कहने की हर बार कोशिश की, वो उनकी गज़लों में लाजवाब है। और इस तरह हमारे हमअसरों में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये फहरिस्त इतनी तवील है कि अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो मेरे बहुत सारे दोस्तों के नाम छूट सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये बेइंसाफी उनके साथ हो। तो सारे अच्छे शेर मुझे मुतासिर करते हैं। हिंदी शायरी को आप किस मकाम पर देखते हैं? जनाब, हिंदी शायरी की अगर बात करें तो हिंदी शायरी उस मकाम पर है कि जहाँ उर्दू शायरी कुछ बरसों पहले तक थी। यहाँ मैं शायरी में गज़ल को नहीं ला रहा हूँ, भी माफ़ कीजिएगा, गज़ल की तरफ बाद में आऊँगा। जहाँ तक हम नज़मों की बात करें, तो मुझे लगता है कि नज़मों के मामले में हिंदी में बहुत उम्दा शायरी हो रही है, बहुत अच्छी शायरी की जा रही है। अगर हम गज़लों की तरफ देखें, तो गज़लों का मसला ये है कि दुष्यंत कुमार ने गज़लें लिखीं और वो इतने मकबूल हुए कि दुष्यंत कुमार के बाद कोई दूसरा नाम बहुत जल्दी आपको याद नहीं आ सकता गज़लों का। हालांकि हिंदी में अब इतने ढेर सारे लोग गज़लें लिख रहे हैं कि शायद उर्दू में भी अब उतने लोग गज़लें न लिख रहे हों, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हिंदी में गज़लों के साथ मसला ये हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने दुष्यंत कुमार को पढ़ के गज़ल लिखना शुरू किया, और उन्हें ये नहीं समझ में आया कि दुष्यंत कुमार की कामयाबी का राज क्या है। उन्हें ये लगा कि पॉलिटिकल इश्यूज़ को, समाजी मसाइल को शायरी में इस्तेमाल करना और नज़्म कर देना, यही गज़ल की शायरी है। उन्हें ये पता नहीं चला कि दुष्यंत कुमार ने इन मौजूआत को बरतने से पहले उर्दू शायरी का, उर्दू गज़ल का कितनी अच्छी तरह मुताला किया है, और कितनी अच्छी तरह वो उन बारीकियों को समझ पाए हैं जो आज के हमारे बेशतर शुअरा उर्दू के भी नहीं समझते। तो मसला यहाँ है कि आज अगर हिंदी गज़लें हम पढ़ें तो उसमें नारे तो लगेंगे, रोटी की भी बात होगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी होगा, लेकिन शायरी नहीं होगी, लेकिन वो गज़ल का शेर है। मसला यहाँ है। तो हम इस तरह देखें तो शायरी में नज़मों की सूरत हाल हिंदी में अलग है और गज़लों की सूरत हाल अलग है। दोनों को हम एक साथ मिला के नहीं अभी देखना चाहेंगे, क्योंकि उससे बड़ी और पेचीदगियाँ पैदा होंगी, जिनके जितने सवालात पैदा होंगे उसके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, एक शायर की शायरी के सिलसिले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, शायर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने तई ईमानदार होता है। वो जैसा है
जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, उसमें वो मैनिपुलेशन नहीं करता। उसके अंदर एक ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि आमतौर से हमारे बेशतर जो शुआरा हज़रात वो शायरी में एक अलग शख्सियत को पेश करते हैं जिनसे उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। सारे बड़े उसूल, जितनी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, जितनी नेकियाँ हो सकती हैं, जैसे दुनिया में कोई बली आता है बस उस तरह से उनकी शख्सियत हो जाती है, और ये लगता नहीं कि उनकी शख्सियत में इंसानों जैसी भी कोई चीज़ है। मसला ये है कि इंसान बनना पहले ज़रूरी है शायर होने के लिए, वली बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंसान नहीं हैं तो ये जो शायरी की नेमत है ये फरिश्तों को बख्शी नहीं जा सकती। इसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। आपके अंदर थोड़ी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। कई मौके ऐसे होते हैं जब आप एक ही मौजू पर एक ही तरह के हालात में किसी अलग अंदाज से सोचते हैं, दूसरे मौके पे आप उसी हालत को किसी दूसरी तरह से देखते हैं। तो ये ईमानदारी होनी चाहिए कि आप उसमें बहुत रद्दबदल ना करें, ताकि ये लगे कि ये शेर अंदर से आपकी सच्चाई के साथ बाहर आ रहा है, आपके किसी दिखावे, किसी तसन्नों, किसी मक्कारी, किसी रियाकारी के साथ नहीं। नौमान शाह साहब अपने आप को दूसरे शायरों से कैसे मुख्तलिफ मानते हैं? साहब, मुख्तलिफ का मामला ये है कि ये दूसरे बता सकते हैं। मैं तो खुद को शायर मानने में भी बड़ा मुश्किल से मान पाता हूँ, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कहा जाता है कि अगर आपका खुदा वही खुदा है जो बाकी दूसरे लोगों का खुदा है तो फिर आप शायर नहीं हो सकते। अगर आपका महबूब वही महबूब है जो इनका भी है, आपका भी है, तो फिर नहीं हो सकते, फिर तो वो सब जैसा हो जाएगा। तो अगर हम अपने जाविये से चीज़ों को देखते हैं अपने लिए, तो मेरा महबूब ही हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। मेरा खुदा ही हो सकता है, क्योंकि उसे मैंने उसी तरह देखा है जिस तरह से मैं देखना चाहता हूँ और जिस तरह से मैं देख सकता हूँ। तो मेरे लिए अलग होना और दूसरों से कैसे मुख्तलिफ हूँ मैं, ये बताना मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं मुखौटे शायरी में नहीं इस्तेमाल करता। जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, जो हमें लिखना होता है, वो एक शायर को लिखना चाहिए, और मैं लिखता हूँ और बस इसी से मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ शायद इसमें मेरी बात कुछ हद तक आ पा रही, हालांकि कभी उस खुशी का सामना नहीं हुआ जो अपनी बात पूरी तरह कह लेने के बाद आती है। इसलिए मैं खुद को अब तक के नामुकम्मल शायर की हैसियत से ही जानता हूँ। मुख्तलिफ तो खैर क्या हुआ। आज के दौर को किस तरीके की शायरी की ज़रूरत है? देखिए, आज के दौर को शायरी की ज़रूरत है जो इंसानों को इंसानों के करीब ला सके। ये इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे अहम ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस मशीनी ज़िंदगी के साथ हमेशा अपने आप पर जुल्म करते रहे हैं, इंसानों पर, अपने जैसे लोगों पर जुल्म करते रहे हैं। जो हमारी वैल्यूज़ हैं, मेरी मुराद उन वैल्यूज़ से नहीं है जो हर जगह बदलते रहते हैं, हर मुआशरे में तब्दील होते हैं, जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मोहब्बत, रवादारी, उखूबत, भाईचारा, फिर हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की जो दुख हैं, उसकी खुशियाँ हैं, उसके जितने भी एहसास हैं, उनको अगर शायर ईमानदारी से ज़बान दे पाता है, उन्हें कलमबंद कर पाता है, यही उसकी कामयाबी है। और शायरी कोई मिरेकल नहीं कर सकती, ये फैक्ट है, लेकिन हम शायरी में वो सब कुछ जो बेहतर हो सकता है, कम से कम हम ख्याली तौर पर उसे एक नई दुनिया की तख्लीक तो कर ही सकते हैं, इतना हमारे अख्तियार में होता है। तो उससे हमें, उस कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत से सवाल हैं, लेकिन कुछ ज़ाती सवाल भी होने चाहिए, जो कि मालूमात सब सिलसिले में होने चाहिए। कितनी पीढ़ियों से ताल्लुक़ रहा आपका शायरी से? साहब, अगर शायरों की नस्ल की बात करें तो वो जब से शायरी शुरू हुई है तब से वो सब मेरे ख़ानदान के ही लोग हैं जो शायरी कर रहे हैं। दरअसल शायरी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता कि कितनी पुश्तों से शायरी हो रही है। दरअसल हमने शायरी को
अपने तौर पर किस तरह से बढ़ता है, या हम शायरी को क्या समझते हैं और शायरी को क्या दे रहे हैं अपने पे, ये असल सवाल ये होता है। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत इंसान दे सकता है उसमें कोताही नहीं करता, और मैंने भी जो थोड़ा बहुत कोशिश की है उनमें से 100% ना सही 10-20% भी अगर कामयाब हो गई हूँ तो मुझे ये मेरी ही कामयाबी लगती है कि अगर कोई शेर कहीं पहुँच जाता है और लगता है कि ये शेर वाकई मेरे दिल की तर्जमानी के साथ साथ किसी और की धड़कनों की भी आवाज़ है, तो वो ही मेरी कामयाबी है। उससे ज़्यादा तो और क्या तमन्ना की जा सकती है शायरी से। तमन शौक साहब, एक बहुत छोटी सी जगह से आपका ताल्लुक है, वहाँ से आपने सफ़र को शुरू किया, और जितनी मैंने YouTube पर आपकी मालूमात की उसमें आपने शायद मास्टर्स भी इंग्लिश में किया। जी, ये एक बल्कि कुदरत का एक बड़ा हसीन तोहफा था मेरे लिए कि मैं बिल्कुल एक जो गांव, बहुत इंटीरियर अनडेवलप्ड गांव जो होता है वो मेरा आबाई वतन है, मैं वहाँ के खेतों खलियानों में बड़ा हुआ हूँ, एक कस्बे में अपनी तालीम हासिल की, एक छोटा सा शहर है आरा जहाँ जैन स्कूल, जैन कॉलेज और जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वहाँ पे सबसे अच्छा स्कूल जैन स्कूल हुआ करता था। मैंने वहाँ स्कूल की तालीम हासिल की, उसके बाद मैंने जैन कॉलेज में दाखिला लिया, और हमारे यहाँ जैन हजरात जो थे वो अदब को बहुत पैटर्नाइज करते थे, उनके यहाँ शायरी की महफिलें होती थीं, और वो हमसे कहा करते थे कि अगर आपको तहजीब सीखनी है तो आप फारसी सीखिए। तो मैंने वो ज़माना देखा है, और खुदा का शुक्र है वो ज़माना बिहार में शायद अब भी है जहाँ लोग उर्दू मादरी ज़बान की तरह पढ़ते हैं, और उस शहर में जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ की असल ज़बान भोजपुरी है, मैं आरा में पैदा हुआ पला बढ़ा, तो मैंने अपने दोस्तों से भोजपुरी में बात की, अपने शहर वालों से जब सड़क पे निकलता था मैं सामान लेना होता था तो उनसे भोजपुरी में बातें करता था, जब मैं मेरे कानों में पहली आवाज़ आई मेरी माँ की तो वो उर्दू ज़बान की थी, तो उर्दू से मेरा ताल्लुक था, और मैंने जिस ज़बान में तालीम हासिल की वो हिंदी थी क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है। उसके बाद जब मैंने इंटर पास किया तो मुझे लगा कि मुझे लिटरेचर में ज़्यादा दिलचस्पी है, मैं उर्दू तो पढ़ ही लेता हूँ, हिंदी जब मैं चाहूँ पढ़ सकता हूँ, तो अंग्रेज़ी ये गैर मुल्की ज़बान है, मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे मालूम हो कि इसमें क्या लिखा पढ़ा गया है। तो फिर इस तरह मैंने ऑनर्स वहीं जैन कॉलेज से अंग्रेज़ी में किया, उसके बाद मास्टर्स मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया। तो गरज के जितनी ज़ुबानों का और जितनी तहजीबों का जगहों का इत्र हो सकता था वो खुदा ने मुझे अता किया, और मैंने हर जगह बहुत कुछ सीखा। मैंने बताया कि मैं जिस गांव से हूँ वहाँ जब रातों में बारिश होती थी, हमारे जब छप्पर पे पानी की बूंदें पड़ती थी, तो मैं पैदा शहर में हुआ था लेकिन जाता था आबाई वतन था, तो मुझे डर लगता था जब हवा चलती थी कि कहीं ये छप्पर मुझ पर न गिरे। तो अब उस डर के साथ जब मैं बड़ा हुआ, जब छोटे शहर में आया, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ थोड़े बहुत पक्के पुख्ता मकान हैं तो यहाँ थोड़ा सा बेहतर है मामला। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकल के महानगर में आया, जहाँ आने से मैं खुद भी बहुत डरता था और मेरे वालिद बुजुर्गवार कहा करते थे कि तुम इतनी दूर चले जाओगे ये तो अच्छी बात नहीं है नौकरी के लिए, लेकिन क्या कहा जाए, नौकरी ऐसी चीज़ होती है कि कोई कहीं भी जा सकता है। तो मैं अपने शहर से उठ के दिल्ली में आ गया, तो जो महानगर की ज़िंदगी देखी मैंने, मैं बड़ा हैरान रहा, चूँकि महानगर को इतने करीब से देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो तो बड़ी अच्छी जगह थी जहाँ मैं पहले रह रहा था, पैसे वैसे नहीं थी और बात नौकरी नहीं थी, लेकिन वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो इस शहर में ढूंढने पे भी नहीं मिल रही हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया खुदा ने जैसी दी है आपको उसी के साथ गुजारना होता है, बस ये कि इस वक्त गुजारने में एक गोशा जो मेरे लिए आफियत का था वो गोशा मेरी शायरी था। मैंने अदब को वक्त दिया, शायरी मेरा पैशन है, मुझे किसी ज़बान में शायरी मिले अगर मैं वो ज़बान जानता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए, वो अंग्रेज़ी में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, और आज भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शायरी दुनिया में हो रही है, मैं किसी तरह इतना वक्त निकाल पाऊँ कि मैं भले ही लिख ना पाऊँ लेकिन उस शायरी को पढ़ सकूँ, बस यही मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं इसी के साथ इस छोटे शहर से निकल के बड़े शहर में जब आ गया हूँ तो अब मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, इसका मुझे अफसोस होता है। कई बार आपकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ होती हैं, कई बार कुछ ऐसे मसाइल होते हैं घर से दफ्तर और उसके बीच में,
कि आप बहुत कुछ चाहते हुए नहीं कर पाते, तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। शायरी के लिए वक्त निकाल लेता हूँ, कुछ अदब के दोस्त हैं जो मुझे अदब की तरफ खींचते रहते हैं हर बार जब मैं कहीं और गुम होता हूँ, कभी मायूस होता हूँ या कभी ज़िंदगी से फरार हासिल करने की ख्वाहिश होती है। तो लगता है नहीं, शायरी एक आसरा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो अदब से, शायरी से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर ज़िंदगी की रमक बाकी है, जहाँ से मैं ज़िंदगी कशीद कर सकता हूँ। यही दोस्त, यही लोग मेरा सरमाया है जो शायरी से मोहब्बत करते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। आज के नौजवानों में आप शायरी की क्या शिद्दत देखते हैं? माफ़ कीजिएगा, आपका सवाल दोबारा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था आपसे कि आज का जो नौजवान है शायरी के लिए कितना मोटिवेटेड है अभी आपके लिए? क्योंकि आज के नौजवानों के साथ एक बड़ी अच्छी बात है जो बखुदा अगर हमें हासिल हुई होती तो शायद हम भी अपनी उम्र से 20-25 साल आगे की शायरी तो कर ही चुके होते। हमें एक अपने पसंद के शायर की किताब ढूंढने के लिए हमें 60 किलोमीटर का सफ़र करके हमें खुदाबख्श लाइब्रेरी जाना होता था, फिर हम वहाँ से किताब इशू कराते थे, उसके बाद पढ़ते थे, तब हमें समझ में आता था कि ये शायरी क्या है या इस शायर ने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा। आज के बच्चों के साथ ये बड़ी अच्छी बात है, जिससे कभी कभी मुझे इस कदर रश्क होता है कि यार ये घर बैठे हुए अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे दुनिया की जितनी अच्छी शायरी है ये पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। आप देखिए कि अभी जो नए शुअरा, जो लोग भी शेर लिख रहे हैं, हमारे आदिल मंसूरी उनको छापते रहते हैं अपने रसाले में, तो आदिल रजा मंसूरी साहब ने भी एक सीरीज शुरू की है अपने अपनी मैगजीन में, जिसमें बिल्कुल नए कलाम कहने वाले होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। अच्छा, ये एक सबसे अच्छा इशारा है उर्दू के मुस्तकबिल का। मैं इसे बहुत खुशाइंद और बहुत अच्छा शगुन मानता हूँ कि उर्दू उनकी कैद से आज़ाद हुई जिन्होंने उर्दू का बेड़ा गर्क कर रखा है। माफ़ कीजिएगा, मैं इस तल्ख बात के लिए किसी का की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ वो लोग भी, वो नौजवान भी जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, उन्होंने वो तासुब अपने अंदर नहीं पाला जो उनके पहले की कुछ नस्लों को विरासत में मिला था, जिन्होंने लड़ाइयाँ देखी थी, जिन्होंने दंगे देखे थे, जिन्होंने बंटवारा देखा था, उनके अपने दुख दर्द थे, उनके अपने तासुबात थे। आज के बच्चे इन तासुबात से ऊपर उठकर जी रहे हैं, इसलिए उनके अंदर शायरी से, जबान से, कम्युनिटी से किसी तरह की नफरत नहीं है, बल्कि दुनिया की जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनके करीब जाने की ललक है। और खुदा इस ललक को ज़िंदा रखे, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें। और मैं हर बार जब भी कभी वक्त मिलता है सोशल मीडिया पर थोड़ी देर भी जाने के लिए, मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये बच्चे अभी 20-25 साल के हैं, ये कैसे ऐसे शेर कह सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं, ये सच्चाई है। उन्होंने नेट से ही सही या जो भी उनका तरीक़ाकार होगा उससे उन्होंने ज़बान सीखी। मैं हर बार ये गुजारिश करता हूँ कि जिस ज़बान में भी आप लिखना चाहते हैं उस ज़बान को सीखिए, आप 1000 ज़बानें सीखिए, ज़बान जो सीख ले उसी की होती है, ज़बान किसी की नहीं होती। अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये ज़बान मुझसे छिन जाएगी, आपकी हो जाएगी अगर आप पढ़ रहे हैं। तो हमेशा जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए, इससे मोहब्बत आम होती है, इससे वो दुनिया में जो पॉजिटिविटी है वो फैलती है। आप अच्छी चीज़ों को इस तरह अपने अंदर जज्ब करते हैं कि आपके अंदर से एक नूर सा फूटने लगता है। इसलिए नई नस्ल से, नए लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और मैं दुआ करता हूँ कि उनके जहन हमेशा इसी तरह तअस्सुब से पाक रहें और ज़बान और अदब, सकाफत और फन की मोहब्बत में वो अपना वक्त देते रहें। अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद वो शायरी को वो मकाम देते हैं ज़िंदगी में जो आम तौर से उस उम्र में बच्चे पैसे कमाने को और नौकरी को और रोज़गार को देते हैं। अगर वो शायरी के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ और उनके लिए दुआ को। चलिए, सवालों जवाबों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ तमाम लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब आप अपने कलाम से हमें नवाजेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने कलाम से हमें नवाजें। क्या है, ताज़ा बदलें कुछ थीं जो अभी मेरी किताब में शामिल हैं, तो मेरे हाफ़ज़े के साथ एक ये भी मजबूरी है कि मैं
अगर बगैर कागज़ के पढ़ना चाहूँ तो शायद मैं अपने शेर 2-3 से ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, इसलिए मुझे इसके लिए माफ़ फरमाइए। अर्ज किया है गज़ल का मतलब है, गज़ल समाप्त फरमाएं कि आठों पहर का ये तेरा मजदूर आ गया, आठों पहर का ये तेरा मजदूर आ गया, जन्नत के द्वार खोल मेरी हूर आ गया। आठों पहर का ये तेरा मजदूर आ गया, जन्नत के द्वार खोल मेरी हूर आ गया। आगोश उसकी ऐसी पुरानी शराब थी, आगोश उसकी ऐसी पुरानी शराब थी, नशे में ख्वाहिशों के बहुत दूर आ गया। आगोश उसकी ऐसी पुरानी शराब थी, नशे में ख्वाहिशों के बहुत दूर आ गया। और कुछ हालात की तब्दीलियों के हवाले से शेर अर्ज किया है कि बस्ता उठाइए कि ये मकतब नहीं है वो, बस्ता उठाइए कि ये मकतब नहीं है वो, बस्ती बदल गई नया दस्तूर आ गया। बस्ता उठाइए कि ये मकतब नहीं है वो, बस्ती बदल गई नया दस्तूर आ गया। आखिरी शेर है गज़ल का कि क्या चाहिए गुलाम को बस एक नज़र की भीख, क्या चाहिए गुलाम को बस एक नज़र की भीख, शर्तें तमाम आपकी मंजूर आ गया। क्या चाहिए गुलाम को बस एक नज़र की भीख, शर्तें तमाम आपकी मंजूर आ गया। आठों पहर का ये तेरा मजदूर आ गया, जन्नत के द्वार खोल मेरी हूर आ गया। शायद ये जरा नवाजी, ये दूसरा माइक क्या मैं इसका इस्तेमाल करूं? नहीं नहीं, आप करें जैसा अच्छा है। शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशआर करता हूँ। मलबूस कहते हैं पोशाक को, और यकलफ्त एक लफ्ज आया है जिसका मतलब होता है अचानक। आप चाहे तो मैं ये माइक यूज करता हूँ। जी ये मतलब अर्ज किया है कि जिस्म मलबूस का यकलख नया हो जाना, मलबूस कहते हैं पोशाक को, यकलख यानी अचानक, जिस्म मलबूस का यकलख नया हो जाना, सामने आना तेरा जश्न बपा हो जाना। जिस्म मलबूस का यकलख नया हो जाना, सामने आना तेरा जश्न बपा हो जाना। अर्ज किया है कि देर तक उसने लगाए रखा सीने से मुझे, देर तक उसने लगाए रखा सीने से मुझे, जिससे सीखा है दरख्तों ने हरा हो जाना। देर तक उसने लगाए रखा सीने से मुझे, जिससे सीखा है दरख्तों ने हरा हो जाना। और अर्ज किया है कि आज सर काट के जन्नत नहीं मांगी तुमने, आज सर काट के जन्नत नहीं मांगी तुमने, है बुरी बात नमाजों का कजा हो जाना। आज सर काट के जन्नत नहीं मांगी तुमने, है बुरी बात नमाजों का कजा हो जाना। ऐसे मंसूबे को नाकाम करेंगे हम लोग, ऐसे मंसूबे को नाकाम करेंगे हम लोग, इसमें शामिल है अगर तेरा खुदा हो जाना। ऐसे मंसूबे को नाकाम करेंगे हम लोग, इसमें शामिल है अगर तेरा खुदा हो जाना। जिस्म मलबूस का यकलख नया हो जाना, सामने आना तेरा जश्न बपा हो जाना। एक मतलब अर्ज किया है कि गया बेकार आखिर ये बरस भी, गया बेकार आखिर ये बरस भी, मोह
मोहब्बत भी अधूरी है हवस में। गया बेकार आखिर ये बरस भी, गया बेकार आखिर ये बरस भी, मोहब्बत भी अधूरी है हवस भी, उसे बस सोचना और लिखते रहना, उसे बस सोचना और लिखते रहना, यहीं तक है हमारी दस्तरस भी, उसे बस सोचना और लिखते रहना, यहीं तक है हमारी दस्तरस भी। समाप्त फरमाइए शेर के, बड़ा दावा है तुझको दिलबरी का, बड़ा दावा है तुझको दिलबरी का, गरजने वाले आ एक दिन बरस भी, बड़ा दावा है तुझको दिलबरी का, गरजने वाले आ एक दिन बरस भी, दरिंदों के परिंदों के मजे हैं, दरिंदों के परिंदों के मजे हैं, कभी इंसान पे आएगा तरस भी, दरिंदों के परिंदों के मजे हैं, कभी इंसान पे आएगा तरस भी, उसे एक बार बस एक बार मिल लो, उसे एक बार बस एक बार मिल लो, तो कम पड़ जाएं दिल दो चार दस भी, उसे एक बार बस एक बार मिल लो, तो कम पड़ जाएं दिल दो चार दस भी, गया बेकार आखिर ये बरस भी, मोहब्बत भी अधूरी है हवस भी। अर्ज किया है कि इश्क था वाकया बनाना का, इश्क था वाकया बना डाला, आपने क्या से क्या बना, इश्क था वाकया बना डाला, आपने क्या से क्या बना डाला, आसमां को न छू सके तो क्या, आसमां को न छू सके तो क्या, एक जीना नया बना डाला, आसमां को न छू सके तो क्या, एक जीना नया बना डाला, आसमां को न छू सके तो क्या, एक जीना नया बना डाला, आदमी आदमी तो हो पहले। आप देखिए हजरत के शेर के बारे में, गजल की शायरी के बारे में कहा जाता है कि कातिल हो सितमगर हो के रहजन हो के दुश्मन, कुछ इस तरह से है, हम अहले गजल सबको सनम कहते रहेंगे। तो गजल में ये पहचानना बहुत कमाल का काम होता है कि ये शेर किसके लिए कहा गया है। शेर बहुत धोखा देते हैं, माफ कीजिएगा, बहुत जालिम होते हैं, तो बस शेर को धोखा देने मत दीजिए। समाप्त फरमाइए कि आदमी आदमी तो हो पहले, आदमी आदमी तो हो पहले, आपने तो खुदा बना डाला, आदमी आदमी तो हो पहले, आपने तो खुदा बना डाला, हिजर में कुफ्र ये हुआ सरजद, हिजर कहते हैं जुदाई को, कुफ्र समझते हैं आप लोग सरजद होना यानी हो जाना, हिजर में कुफ्र ये हुआ सरजद, तुम गए दूसरा बना डाला, हिजर में कुफ्र ये हुआ सरजद, तुम गए दूसरा बना डाला, उससे जी भर के बाद की, उससे जी भर के बाद की कल रात, शक्ल था वो सदा बना डाला, उससे जी भर के बाद की कल रात, उससे जी भर के बाद की कल रात, शक्ल था वो सदा बना डाला, हर नए गम पे मुस्कुराता हूं, हर नए गम पे मुस्कुराता हूं, एक तमाशे ने क्या बना, हर नए गम पे मुस्कुराता हूँ, एक तमाशे ने क्या बना डाला, इश्क था वाकया बना डाला, आपने क्या से क्या बना डाला। ये साहब एक गजल जरा हमारे गौरव जी भी यहाँ मौजूद थे, मुझे लगा कि इनके हवाले से सुना दूं तो अच्छी बात होगी। बहरहाल अर्ज किया है कि जिसके आने से हुआ है दफतन पानी शराब,
जिसके आने से हुआ है दफतन पानी शराब, यार ये तो लग रही है जानी पहचानी शराब। जिसके आने से हुआ है दफतन पानी शराब, यार ये तो लग रही है जानी पहचानी शराब। अर्ज किया है कि जिसने तुझको चख लिया हो उसका नशा पूछ मत, जिसने तुझको चख लिया हो उसका नशा पूछ मत, जन्नतों में भी न मिलने की ये नूरानी शराब। जिसने तुझको चख लिया हो उसका नशा पूछ मत, जन्नतों में भी न मिलने की ये नूरानी शराब। मैं कहा शहरों में किल्लत इस कदर पानी की है, मैं कहा शहरों में किल्लत इस कदर पानी की है, बोल उठा कमजर्फ हासिल है बासानी शराब। कमजर्फ कहते हैं तुच्छ नीच, मैं कहा शहरों में किल्लत इस कदर पानी की है, बोल उठा कमजर्फ हासिल है बासानी शराब। हश्र के दिन, हश्र क़यामत के दिन, हश्र के दिन जाम टकराऊंगा उसके जाम से। समाज फरमाइए कि हश्र के दिन जाम टकराऊंगा उसके जाम से, जिसने जिस्मों में भरी है ऐसी रूहानी शराब। हश्र के दिन जाम टकराऊंगा उसके जाम से, हश्र के दिन जाम टकराऊंगा उसके जाम से, जिसने जिस्मों में भरी है ऐसी रूहानी शराब। कौन हो तुम किस जहां से आए हो बदलाओ तो, कौन हो तुम किस जहां से आए हो बतलाओ तो, अक्स पड़ते ही नदी में हो गया पानी शराब। कौन हो तुम किस जहां से आए हो बतलाओ तो, अक्स पड़ते ही नदी में हो गया पानी शराब। जिसके आने से हुआ है दफतन पानी शराब, यार ये तो लग रही है जानी पहचानी शराब। मतलब के कुछ अशार हैं कि क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजिए, क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजिए, शेर कहिए इश्क पर या इश्क कीजिए। क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजिए, शेर कहिए इश्क पर या इश्क कीजिए। नवाजिश दोनों में से किसी पर अमल कर लीजिए, जिंदगी कामयाब है। जो लिखा है जो पढ़ा है जो किया है, जो लिखा है जो पढ़ा है जो किया है, सब भुला देगी ये दुनिया इश्क कीजिए। है सिवाय इश्क खुद मुख्तार कौन, खुद मुख्तार आजाद स्वावलंबी इंडिपेंडेंट। है सिवाय इश्क खुद मुख्तार कौन, इश्क के दम से है दुनिया इश्क कीजिए। आप लासानी हैं, लासानी अद्वितीय मैचलेस, लाफानी कहते हैं अमर जो हमेशा रहने वाला हो। आप लासानी हैं लाफानी नहीं, देखिए महबूब को मुखातिब करके कहना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी को करना था। आप लासानी हैं लाफानी नहीं, रोइए मत एक सच्चा इश्क कीजिए। आप लासानी है लाफानी नहीं, रोइए मत एक सच्चा इश्क कीजिए। मेरे मुर्शिद ने कहा फिर मुस्कुराकर, मुर्शिद कहते हैं पीर को धर्मगुरु को उस्ताद को। मेरे मुर्शिद ने कहा फिर मुस्कुराकर, और खिल उठेगा चेहरा इश्क। मेरे मुर्शिद ने कहा फिर मुस्कुराकर, और खिल उठेगा चेहरा इश्क कीजिए। क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजिए, शेर कहिए इश्क पर या इश्क कीजिए। मुझे लगता है शायद दो चार मिनट अगर वक्त है तो ठीक है, नहीं है तो हाँ। अभी हम लोग मुशायरे के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, प्रिंस साहब ने एक सवाल किया था, उसके जवाब के हवाले से अगर शेर में बात की जाए तो मतलब हाजिर है आपकी नजर के। आसमानों से जमी की तरफ आते हुए हम, आसमानों से
زمین کی طرف آتے ہوئے ہم ایک مجمع کے لیے شعر سناتے ہوئے ہم آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہوئے ہم ایک مجمع کے لیے شعر سناتے ہوئے ہم کیسی جنت کے طلبگار ہیں تو جانتا ہے کیسی جنت کے طلبگار ہیں تو جانتا ہے یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ لوگ کیسی جنت چاہتے ہیں کیسی جنت کے طلبگار ہیں تو جانتا ہے تیری لکھی ہوئی دنیا کو مٹاتے ہوئے ہم کیسی جنت کے طلبگار ہیں تو جانتا ہے تیری لکھی ہوئی دنیا کو مٹاتے ہوئے ہم ریل دیکھی ہے کبھی سینے پہ چلنے والی ریل دیکھی ہے کبھی سینے پہ چلنے والی یاد تو ہوں گے تمہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے ہم ریل دیکھی ہے کبھی ریل دیکھی ہے کبھی سینے پہ چلنے والی یاد تو ہوں گے تمہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے ہم تم تو سردی کی حسین دھوپ کا چہرہ ہو جسے تم تو سردی کی حسین دھوپ کا چہرہ ہو جسے دیکھتے رہتے ہیں دیوار سے جاتے ہوئے ہم تم تو سردی کی نوازش کرم تم تو سردی کی حسین دھوپ کا چہرہ ہو جسے دیکھتے رہتے ہیں دیوار سے جاتے ہوئے ہم اور ایک شعر ان زمانوں کی یاد کے لیے ان زمانوں کی یاد کے نام جسے ہم سب یاد کرتے ہیں خود کو یاد آتے ہی بے ساختہ ہنس پڑتے ہیں خود کو یاد آتے ہی بے ساختہ ہنس پڑتے ہیں کبھی خط تو کبھی تصویر جلاتے ہوئے ہم خود کو یاد آتے ہی بے ساختہ ہنس پڑتے ہیں کبھی خط تو کبھی تصویر جلاتے ہوئے ہم آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہوئے ہم ایک مجمع کے لیے شعر سناتے ہوئے ہم عرض کیا ہے کہ کلنے کا یوں فقیر نہیں ہے یہ عشق ہے ٹلنے کا یوں فقیر نہیں ہے یہ عشق ہے یہ جو نئی غزل کی زمیں ہے یہ عشق ہے دنیا میں کتنا حسن ہے مجھ کو نہیں پتا دنیا میں کتنا حسن ہے مجھ کو نہیں پتا واللہ کر ذرا بھی کہیں ہے یہ عشق ہے دنیا میں کتنا حسن ہے مجھ کو نہیں پتا واللہ گر ذرا بھی کہیں ہے یہ عشق ہے اس کیا ہے کہ میں اس جہاں کا سب سے امیر آدمی ہوں یار میں اس جہاں کا سب سے امیر آدمی ہوں یار تم نے بنا دیا ہے یقین ہے یہ عشق ہے میں اس جہاں کا سب سے امیر آدمی ہوں یار تم نے بنا دیا ہے یقین ہے یہ عشق ہے کل جو ملا تھا میں ہوں وہی بوریاں نشین بوریاں نشین جو ریت پہ بیٹھنے والا فرش پہ بیٹھنے والا فقیر اور زیر نگی کہتے ہیں جو حکومت کرنے والا ہو سارے سب کچھ جس کے ادھین ہو کل جو ملا تھا میں ہوں وہی بوریاں نشین دنیا تمام زیر نگی ہے یہ عشق ہے اور اس شخص کو یقین دلائیں تو کس طرح اس شخص کو یقین دلائیں تو کس طرح ہر شخص کو اگرچہ یقین ہے یہ عشق ہے ٹلنے کا یوں فقیر نہیں ہے یہ عشق ہے یہ جو نئی غزل کی زمین ہے یہ عشق ہے میرے خیال سے اب کچھ ہم خط کریں ٹھیک ہے بہتر اسی لیے آپ کی اجازت کا منتظر ہوں بے شک یہ میرا امتحان لینے والے دوست ہر جگہ مل جاتے ہیں بس دو شعر یاد ہیں بس
मैं अर्ज करता हूँ आपकी नज़र, परसों पुराने जख्म को बेकार कर दिया, बरसों पुराने जख्म को बेकार कर दिया, मैंने तेरा जवाब भी तैयार कर दिया। बरसों पुराने जख्म को बेकार कर दिया, मैंने तेरा जवाब भी तैयार कर दिया। तौके बदन उतार के फेंका जमीन से दूर, यानी बदन की बेड़ी को, तौके बदन उतार के फेंका जमीन से दूर, दुनिया के साथ चलने से इनकार कर दिया। तौके बदन उतार के फेंका जमीन से दूर, दुनिया के साथ चलने से इनकार कर दिया। ये जो इस तरह से शेर सुना देते हैं मेरे दोस्त, वो मैंने बता दिया है, मुझे शेर याद नहीं रहते तो मैं डर जाता हूँ जब भी कोई नई फरमाइश आती है। बहरहाल तो अब एक आखिरी गजल अर्ज किया है कि जब फेर कर निगाह हर अपना पराया जाए, जब फेर कर निगाह हर अपना पराया जाए, मुश्किल ये है कि ऐसे में कौन आजमाया जाए, मुश्किल ये है कि ऐसे में कौन आजमाया जाए। क्या है कि हम आग से डराए हुए लोग हैं, हमें हम आग से डराए हुए लोग हैं, हमें एक मेहरबान नदी के किनारे बसाया जाए। हम आग से डराए हुए लोग हैं, हमें बारिश, हम आग से डराए हुए लोग हैं, हमें एक मेहरबान नदी के किनारे बसाया जाए। अर्ज किया है कि हाँ तुम वफा परस्त हो, भूखा हवस का मैं, हाँ तुम वफा परस्त हो, भूखा हवस का मैं, कस्में न खाई जाएं, मुझे कुछ खिलाया जाए। हाँ तुम वफा परस्त हो, भूखा हवस का मैं, कस्में न खाई जाएं, मुझे कुछ खिलाया जाए। अर्ज किया है कि बीमार से तो पूछिए उसको है किसका रोग, बीमार से तो पूछिए उसको है किसका रोग, चारा गरी के वास्ते किसको बुलाया जाए। बीमार से तो पूछिए, चारागरी इलाज के लिए, निदान के लिए, बीमार से तो पूछिए उसको है किसका रोग, चारागरी के वास्ते किसको बुलाया जाए। और दोनों ही अपनी कश्तियां जिद में जला चुके, दोनों ही अपनी कश्तियां जिद में जला चुके, बेहतर है ऐसे इश्क को अब भूल जाया जाए। दोनों ही अपनी कश्तियां जिद में जला चुके, बेहतर है ऐसे इश्क को अब भूल जाया जाए। आना नहीं है जिसको नहीं आएगा कभी, आना नहीं है जिसको नहीं आएगा कभी, आंखें बिछाई जाएं कि अब दिल जलाया जाए। जब फेर कर निगाह हर अपना पराया जाए, हम आग से डराए हुए लोग हैं, हमें एक मेहरबान नदी के किनारे बसाया जाए। हाँ तुम वफा परस्त हो, भूखा हवस का नहीं, कस्में न खाई जाएं, हमें कुछ खिलाया जाए। बहुत शुक्रिया प्रभा खेतान फाउंडेशन के लिए, और बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने इतनी मोहब्बतों के साथ और इतनी बिल्कुल ईमानदारी से और जज्बे के साथ, सब्र के साथ हमारे दो चार जो टूटे फूटे लफ्ज थे उनको दिल से सुना। मैं अपने दिल की तमाम गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगी कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या आप कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं हमारे गेस्ट ऑथर से, तो आप करिए। बस सवाल छोटे होने चाहिए। और आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ इसलिए कि मैयार के गिरते दौर में आपकी शायरी एक ठंडी बयार की तरह आई और हमें बहुत सुकून मिला उसको सुनकर। लेकिन इस गिरते हुए मैयार के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या हम इसको वापस इसको उठाने की जरूरत कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी ईमानदारी से
हम शायद अपने सर लेते हैं, क्योंकि ये मेयार हमने ख़राब किया है। हमने ऐसे लोगों को इज्जत दी जिन्हें शेर कहना नहीं आता था, जिन्हें शेर की समझ नहीं थी, जिन्होंने पढ़ा नहीं था, जिन्हें मालूम नहीं था क्या करना है। हमने उन्हें इज्जत दी, हमने उन्हें बुलाया, उनके लिए हम लोगों को जमा करते हैं, उन्हें सुनवाते हैं। तो जाहिर है इसमें ये पूरी हमारी जो बिरादरी है, शायरों की बिरादरी, हम खुद ये हम जिम्मेदारी लेते हैं और हमें इसकी जिम्मेदारी लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि देर या सवेर ये एतराफ़ जब तक हम नहीं करेंगे, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अगर हमें लगेगा कि वही लोग जो हमारे जज्बात को भड़का करके, मजमे को इकट्ठा करके और तालियां बजवा करके शायरी कर रहे हैं, अगर हम उन्हें कामयाब होने देते हैं तो ये हमारा अपना कसूर है, हम भी उनके साथ बैठे होते हैं। कई बार ऐसा होते हुए हम देखते हैं लेकिन खामोश रहते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बल्कि हमें कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि कई बार जब हमें बुलाया जाता है किसी मुशायरे के लिए, तो हमें ये पूछना चाहिए कि इसमें और कौन लोग आ रहे हैं। कि एक दो बार ऐसे मौके आए तो फिर उन्हें ये जवाब दिया, हमारे कुछ कुछ जरूरतमंद लोग होते हैं, हर ज़माने में रहे और हमेशा रहेंगे, जो ये कहते हैं कि अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या आपकी ऑडियंस इन्हें पसंद कर सकती है, आप इन्हें बुला रहे हैं, तो फिर आप इन्हें सुनिए। उनकी शायरी और हम जो शायरी सुनाएंगे उसमें कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, आप बेहतर है उन्हें सुन लीजिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन जाहिर है जरूरतमंद लोग हर ज़माने में कम रहे हैं, ऐसे सब नहीं हो सकते, ऐसा होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका है। ये मुशायरे की बदनसीबी है कि कुछ लोग पैसे कमाने के लिए मुशायरों में जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं पता नहीं, मुझे ये कहना चाहिए था नहीं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उन्हें पैसे मिले। और जब ये जज्बा, जब पैशन प्रोफेशन बन जाता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है। फिर आप उस सतह पे उतर आते हैं जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए था, आसमान से ज़मीन पे आए हैं, जो मैंने अर्ज किया था। हमने कई अच्छे शायरों को मुशायरों की वजह से तबाह होते देखा है, और मुझे इतना अफसोस है कि वो शुअरा मेरे आइडियल हुआ करते थे और मैंने उन्हें मुशायरों के लिए बर्बाद होते देखा है। कि ये कैसे मुशायरों के लिए सामईन से दाद की भीख मांग रहे हैं, ये आपकी नज़र कर रहा हूँ, और अगर आपने इस पर दाद नहीं दी तो मैं चला जाऊँगा और मैं आइंदा कभी इस शहर में नहीं आऊँगा, और आप जैसा सामने हमने नहीं देखा है। और आप साहब ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं कि हमें सुन के शर्म आती है, कि माफ़ कीजिए मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल। तो अब लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये हुई है, मैंने महसूस किया है कि पिछले 5-7 सालों से तकरीबन अब मुशायरों में एक पैरेलल मुशायरे हो रहे हैं एक तरह से। जैसे किसी ज़माने में 8 फिल्में बनती थीं कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ, जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत कमाती थीं, दूसरी हमारे दिलों की कमाई ले जाती थीं, जो हमने अपने दिल में संभाल के रखा हुआ होता था। तो उसी तरह से अब एक अच्छा ट्रेंड ये शुरू हुआ है कि जो लोग वाकई शायरी कर रहे हैं और शेर की बारीकियों को समझते हैं, शायरी क्या होती है ये जानते हैं, और अपने तई ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से पन की खिदमत कर रहे हैं, शायरी की खिदमत कर रहे हैं लगन के साथ, वो लोग अब स्टेज की भी जीनत बन रहे हैं। और जाहिर है सोशल मीडिया ने प्रिंट मीडिया से सरोकार थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन वो लोग उन तमाम हलकों तक पहुंच रहे हैं जहां अच्छी शायरी सुनी समझी और सराही जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं पुरुमीद हूँ। शुक्रिया आपका। मेरा सवाल बहुत नियमित है, मेरे ख्याल से बहुत लोग आपसे ये पूछते होंगे, लेकिन आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? कोई किस्सा, कोई घटना, कोई इंसान, कोई ऐसी चीज़ जिससे जिससे हम सबको इतना अच्छा सुनने को मिला आपसे? जी, ज़रा नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ अच्छा तो पता नहीं, अगर हो गया हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बाकी मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगे। लेकिन जहाँ तक प्रेरणा या मोटिवेशन की बात करें, तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तब तो कोई एक प्रेरणा होती है, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई और ख्वाब में आपने कोई ख्याली तस्वीर बना रखी हो वो हो, या कोई हकीकी इंसान हो, या कई बार ख्याली माशूक ही ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर शायर ख्याली माशूक के चक्कर में ना रहे तो अच्छे शेर नहीं आएंगे। क्योंकि जो जो
वाकई वाला आदमी है, इंसान है, वो उतना आइडियल नहीं हो सकता जितना शायर उसे देखता है। तो ख्याली महबूब का होना बड़ा ज़रूरी है शायरी की ज़िंदगी के लिए। तो पहले स्टेज पे तो वो होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप शायरी में पुराने होते जाते हैं, वो मरहला तय हो चुका होता है जो इनिशियल फेज़ होता है, तो फिर दुनिया में जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, बाहर और अंदर दोनों आपको परेशान करते हैं, लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप लिखें। तो ये बहुत ही एक ऐसी अर्ज होती है कि अगर आप शायर हैं तो उसे बहुत दिनों तक दबा कर नहीं रख सकते, वो किसी न किसी शक्ल में आएगा। जैसे बहुत से लोग इश्किया शायरी करते हैं, बहुत से लोग इस्टेब्लिशमेंट पे से इतने नाराज़ होते हैं कि वो प्रोटेस्ट पोइट्री लिखना शुरू कर देते हैं, कि इत्तेफाक से आज फैज़ अहमद फैज़ और हमारे कासमी साहब, उनका दोनों का एक की बर्थ एनिवर्सरी है, एक की डेथ एनिवर्सरी है, अहमद नदीम कासमी की। ये दोनों बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी पोइट्स भी थे, प्रादेशिक थे, और इन्होंने इश्किया शायरी भी बहुत की है। तो उसके बाद आप उस स्टेज से निकल आते हैं, तो उसके बाद दुनिया की हर चीज़, आप कितने सेंसिटिव हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद सारी दुनिया आपकी प्रेरणा होती है। जहाँ किसी का दिल दुखता है, आपका दिल दुखता है। जहाँ कोई परेशान होता है, आप परेशान होते हैं। कोई खुश होता है, आप उसकी खुशी में शामिल होते हैं। तो हर जगह से आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। ये मैच्योर होने की दलील है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी एहसास विमेन ऑफ जयपुर से कुलसुम मलिक जी का, कि वो यहाँ पर आकर हमारे ऑथर को और हमारे आज के मॉडरेटर को मोमेंटोस दे। एक बहुत ही उम्दा बातचीत, एक बहुत ही हसीन शाम कुलसुम मलिक जी को। कुलसुम जी, आपसे दरख्वास्त है कि आज के हमारे मॉडरेटर प्रिंस रूबी जी को भी मोमेंटो देकर इनका धन्यवाद करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सुधीर माथुर संस्थान से सुधीर माथुर जी को यहाँ पर, कि वह आकर वोट ऑफ थैंक्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रुमान शेख साहब कि आपने इतना बढ़िया आज शाम हम लोग के लिए लगाई है, और ऐसा मन कर रहा था अभी और सुनते ही रहें आपसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारी शाम सजाने के लिए। और मेरा शुक्रिया प्रभा खेतान फाउंडेशन जिनने पहल की लव्स को यहाँ लाने के लिए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रेक्टा फाउंडेशन का, एहसास वुमेन का, कुलसुम जी यहाँ हैं, सुनीता जी एंड हमारी छोटी बहन अफरा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरा जीएम हिल्टन का और उनकी टीम का जो इतनी बढ़िया हमें जगह दी है और हमेशा पूरा सपोर्ट करते हैं। और शुक्रिया हमारे मीडिया दोस्तों का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए और आप लोग ने इतनी अच्छी तरह से हमारे साहब को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।